हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पिक कार्ड रीडिंग करेंगे और ये देखेंगे कि फेब्रुअरी मंथ में आपके पास क्या ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, चेंजेस आ रही हैं। जिसके लिए यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। तीनों में कोई ना कोई मैसेज है और नंबर भी है और पिक्चर भी है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो। नंबर वाइज चूज़ करना है, मैसेज वाइज चूज़ करना है या आपको पिक्चर वाइज चूज़ करना है, आप चूज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारी पाइल 1 जिस पे 21 नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है रोमन नंबर और यहाँ पे कंप्लीशन है मैसेज। एक या एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे इनोसेंस है, 19 नंबर का कार्ड है। सेकेंड में ये पिक्चर है हमारी पाइल 2। पाइल 3 है जहाँ पे 6 नंबर है, बर्डन का कार्ड है। पिक्चर्स तो आपको दिख ही रही हैं। तीनों में से एक आप मेडिटेशन करके चूज़ कर सकते हैं, अपने एंजल्स, अपने एंसेस्टर्स, अपने स्पिरिट गाइड को प्रेयर भी कर सकते हैं कि आपको वो सही गाइडेंस दें, अगर आप किसी गाइडेंस की वेट में हैं तो। आइए हम हमारी रीडिंग पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कंप्लीशन का कार्ड चुना है, इट मींस आप कुछ चाहते हो, चीज़ें कंप्लीट हो और कुछ न्यू बिगनिंग। सो 21 नंबर का आपने कार्ड चूज़ किया है, इट मींस 3 नंबर। आप किसी लाइफ में किसी चीज़ में बैलेंस चाहते हो, अभी यहाँ पे 3 नंबर है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इस कार्ड में, ये जो पजल पूरी करी जा रही है वो भी थर्ड आई हमारी जहाँ पे होती है वहाँ पे ये पूरा किया जा रहा है, मतलब जो लास्ट पजल बॉक्स है। शायद आप चाहते हो कि आपकी कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो या आपकी हो सकती है या आप उस प्रोसेस में हो, किसी चीज़ का आंसर बहुत ही आप डीपली चाहते हो, किसी चीज़ की क्लियरिटी चाहते हो आप इस फेब मंथ में। अभी तक हमें ये दिख रहा है। हम अब हमारे एंजल से पूछ लेते हैं पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है फेब मंथ में। डियर एंजल्स, पाइल 1, एंसेस्टर्स, डियर एंजल्स, डियर एंसेस्टर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, पाइल 1 के क्या मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स हैं फेब मंथ में। हम पहले आपका थोड़ा सा पास्ट एनर्जी देख लेते हैं, पाइल 1 की पास्ट एनर्जीज। ओके, चीट, अभी पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जीज हैं पाइल 1 आप लोगों के लिए। आप यहाँ चीट हुए हो और आपके पास कोई मौके आए थे आगे बढ़ने के लिए, आप नहीं बढ़ पाए। शायद आप इमोशनली किसी के साथ स्टक थे, आपने किसी ऐसे इंसान को चुना जिन्होंने इमोशनली आपको ड्रेन कर लिया और वक्त पे आपको छोड़कर चले गए। आप बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है अपने पास्ट से, अपने पास्ट के डिसीजन से, या आपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं जिस पे आपको रिग्रेट हो रहा है। आपके पास एक नहीं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, आपने उन्हें मना कर दिया। यहाँ आपको पता भी था तो आपने बोला ठीक है हम बाद में देख लेंगे, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं। आपका जो हम बोलते हैं ना दिल और दिमाग, माइंड एंड हार्ट बैलेंस में नहीं हो पा रहा है। आप कभी कभार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, कभी कभार बहुत ही ज़्यादा दिल से सोच लेते हैं और बार बार जो लोग गलतियां करते हैं उन्हें माफ़ कर लेते हैं और फिर आपको शायद पछताना पड़ता है। ऐसी कुछ एनर्जी है पाइल 1 आपके पास्ट की। इन शॉर्ट यहाँ पे आपने, आपके पास जो मेन हमारा कार्ड है कंप्लीशन का, इसलिए चुना है या आप चाहते हो कि कुछ चीज़ें पूरी हों, कुछ साइकिल पूरी हो। अगर नहीं हो रही है, बार बार आपको वही पेन मिल रहा है, तो अभी डिवाइन एंजल्स आपको कह रहे हैं बस अब इस साइकिल को कंप्लीट करने का वक्त आ गया है और इससे ज़्यादा आप इस एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। अब हम आपका प्रेजेंट देखते हैं पाइल 1।
जस्टिस, अभी इसके ऊपर ही हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया है। बाउंड्रीज, फाइल वन, आपकी एनर्जीज क्यों स्टक हो गई है? यस, बिल्कुल, द मून का कार्ड आया है। यहाँ पे हमारे पास जस्टिस आया है, नंबर सेवन एंड द मून का कार्ड आया है। दो मेजर कार्ड आए हैं और एक माइनर आर्काना हमारे पास कार्ड आया है। अब आप जस्टिस के वेट कर रहे हो और आप अपनी तरफ बाउंड्रीज बनाना शायद स्टार्ट कर रहे हो। आपको शायद चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ, अब मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, कहाँ टाइम देना है, कहाँ टाइम नहीं देना है। अब जब मैं आपके कार्ड्स निकाल रही थी, मैं बीच में चुप हो गई थी, शायद मैंने कुछ बोला नहीं। मुझे बहुत ही फियर की एनर्जी फील हो रही थी मेरे सेक्रल चक्रा पे और सोलर प्लेक्सस पे। कुछ फियर है आपको, बहुत फियर, आई डोंट नो किस चीज़ का है फियर। आपको खुद को भी नहीं पता चलता कि आप फियर फील कर क्यों रहे हो। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने कार्मिक इंसानों से डील कर रहे हो, कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो, कार्मिक कुछ ऐसे हो, कॉन्ट्रैक्ट हो जिसकी वजह से आपको इतना पेन मिला है अभी तक। ऐसे कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। अब उनका कंप्लीट होने का टाइम आ गया है। आपको यहाँ पे अपने आप को पहचानने के लिए बोला जा रहा है, बाउंड्री सेट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप सही हो तो किसी से आपको डरना नहीं है, किसी की गलतियों में, किसी गलत चीज़ों में हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। आपको जस्टिस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, अपने समय पे मिलेगी। अब यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, यहाँ तो किसी ऐसे रास्ते पे चाहिए जा सकते हैं जो बना बनाया है, आपको पता है उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, या दूसरा कोई ऐसा रास्ता जो आपको नहीं पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अब वो आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ जाना है। अभी प्रेजेंट में आपके पास ये ऑप्शंस, ये सिचुएशंस अवेलेबल है। ये तो आपकी ओवरऑल सिचुएशंस रही। हम आपकी ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। फैब में आपके पास ब्लेसिंग्स क्या आ रही है? एकदम उड़कर कार्ड निकला है हमारे पास। इमोशनली बैलेंस हो सकते हो, कुछ ऐसे अच्छे लोग, कुछ ऐसे अच्छे गाइड्स, कुछ ऐसा अच्छा सर्कल आपको मिल सकता है जो आपको मेंटली इमोशनली ग्रो करने में हेल्प करेगा। अगर अब तक आप ड्रेन हुए हो कार्मिक लोगों की वजह से, तो आपको सोलमेट्स मिल सकते हैं आपकी लाइफ में, जो आपको आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। पाइल वन, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। शायद आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस करिए। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिनके साथ आप अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर पाए, अपने थॉट्स शेयर कर पाए, तो एक डायरी लिखिए, अपने आप के साथ ही शेयर कीजिए। आप अपना थॉट पैटर्न जानिए कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, इट मींस बहुत बड़े मेजर चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे भी कंप्लीशन का कार्ड है और यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून 10 एंडिंग कंप्लीशन, ये भी एंडिंग एंड कंप्लीशन का ही कार्ड है। इट मींस ये रीडिंग कंफर्म है कि आपने सही कार्ड चुना है और वही डायरेक्शन हमें मिल भी रही है रीडिंग के थ्रू। अब चीज़ें कंप्लीट तो हो रही हैं, हम मतलब बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें फिजिकली ख़त्म हो जाती हैं, रियलिटी में हमारे ख़त्म हो जाती हैं, पर हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। ठीक है, सपोज अगर किसी ने आपको 4-5 साल पहले हर्ट कर लिया, वो तो ठीक है, 4-5 साल पहले बात ख़त्म हो गई, पर आपके दिमाग में अभी तक वो 4 साल से अटकी हुई है। तो वही चीज़ों को रिलीज करना है, अपने ऑरा में उस चीज़ों को रखने का कोई मतलब नहीं है। अगेन हमारे पास 3 कार्ड गिरे हैं, मैं आपको सिर्फ मीनिंग बता रही हूँ, रख नहीं रही हूँ। यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन का फॉलो करना है। बहुत ही ज़्यादा जो मेंटल
मीन्स माइंड के लेवल पे बहुत ही ज़्यादा जो आपकी थॉट्स ओवर थिंकिंग चल रही है ना, उसे थोड़ा कंट्रोल में लेके आइए। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आप बेझिझक अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं? हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान की क्वालिटीज अलग होती है। अपने आप को एक्सप्रेस करना है। लास्ट कार्ड हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है पाइल वन आप लोगों के लिए। लीजिए, आप वेट कर रहे हैं। किस इंसान का वेट कर रहे हैं? शायद पास्ट में जो गलतियां हुई आपको इसलिए वेट कर रहे हो कि वो लोग आपसे आके माफी मांगेंगे। रिलेशनशिप हो या कहीं भी कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ हो, जहाँ पे आप हर्ट हुए हो किसी भी लेवल पे, आपने अपने आप को ही हर्ट किया हो, आपने गलत चॉइसेस की हो, आप अपने आप से भी नाराज़ हो, आपको रियलाइज़ हो गया, आप अभी अपने आप को माफ़ कर लीजिए। अगर और किसी का वेट कर रहे हैं कि कोई आके माफ़ी मांगेगा, वेट मत करिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। अगर उन्हें जब रियलाइज होना होगा हो जाएगा, वो माफ़ी मांग लेंगे, अदरवाइज लीव इट। सेकेंड मैसेज ये है कि आपने अगर अभी तक मेहनत की है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो रिजल्ट मिलेगा, वेट नहीं करना है। जितना वेट करोगे उतनी चीज़ें डिले होंगी, जस्ट बिकॉज आप वेटिंग की ही एनर्जी वहाँ पे डाल रहे हैं। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार का कार्ड आया है। इट मीन्स आपको अगेन यही कार्ड हमें बता रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जो भी है आपकी लाइफ, जैसे भी है, जो भी आपने लेसन्स लर्न किए हैं, एक्सेप्ट इट, लर्न इट और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपने आप में बेहतर बनिए। ये है पाइल वन आप लोगों के लिए मैसेजेस। कर लीजिए, जजमेंट का कार्ड आ गया। जस्टिस का तो आया ही था और जजमेंट का भी। अब यहाँ पे जजमेंट मीन्स व्हाट? आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं, अपने लिए क्या सोच रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं, ये आपके लिए आया है कार्ड। ये है पाइल वन आप लोगों के लिए रीडिंग। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें, आपको कैसी लगी ये रीडिंग और किस टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी पता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल टू, जिन्होंने भी ये इनोसेंस वाला कार्ड चूज़ किया है, हम उनके लिए मैसेजेस देख लेंगे क्या आ रही हैं आपके पास ब्लेसिंग। पहले हम पास्ट देखेंगे क्या एनर्जीज रही हैं, फिर हम प्रेजेंट देखेंगे, फिर हम फ्यूचर देखेंगे। पाइल टू, आपकी एनर्जी बहुत ही काम है, एकदम शांत रहने वाले आप इंसान हो, आपका ऑरा ऐसा है। अगर आपके माइंड में भी शांति नहीं है तो वो हो सकता है कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स की वजह से हो, बट यूजुअली आप बहुत ही शांत तरीके के लोग हो, अपने अंदर ही सारी चीज़ें समा लेते हो और समेट लेते हो। ये आपको दिखना चाहिए ऐसे। चलिए, डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, पाइल टू के लिए उनके पास की एनर्जीज क्या आ रही है, उनके कुछ आपकी लाइफ में मीन्स ऐसा होता है कभी कभार कि चीज़ें होते होते रुक जाती हैं। मतलब बोलते हैं ना कि बस काम हो गया है 90%, अब अटक गया काम, पता नहीं क्यों। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया है हमारे पास। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आपसे मौके छीने गए हैं, या मौके आते आते भी आप उन पे कुछ काम नहीं कर पाते हो? कुछ नेगेटिव स्पेल हुए हैं क्या आप पे पाइल टू? मैजिशियन का कार्ड आया है। आपकी हो सकता है पाइल टू, आपके घर में किसी फीमेल की तबीयत ख़राब रहती हो। अगर आप बच्चे हैं
मैरिड नहीं है, आपकी मदर या आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, आपकी दादी हो सकती है। मैरिड हो तो आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, कोई फीमेल है जिनकी हेल्थ खराब नहीं रहती है, जिसकी वजह से आप पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी फैमिली पे इफेक्ट पड़ रहा है। कोई फीमेल है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा लग रहा है कि किसी ने नेगेटिव स्पेल्स किए हो सकते हैं। सबके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर है तो आप पूजा पाठ करिए, डिवाइन पे सरेंडर करिए, उनसे डिवाइन से हेल्प मांगिए, जिस भी भगवान में आप विश्वास रखते हैं, ठीक है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए, कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी तो अपने आप ट्रांसम्यूट हो जाएंगी। आप में एनर्जी बहुत है पायल टू, कुछ भी क्रिएट करने की, बहुत सारी चीज़ें करने की, पर बोलते हैं ना कि आप बंधे हुए हो या बंधे हुए थे, कुछ पता नहीं चल रहा। ओह माय गॉड, अगेन किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है। आप इमोशनल और मेंटल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो, आपकी एनर्जी तो बहुत कुछ करने जैसी है, मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो, जो चाहे आप अपनी लाइफ अपनी करियर में सेटल हो सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, अगर आपने, हाँ पाइल टू, अगर आपने अपना कुछ स्टार्टअप किया हो सकता है, आपके आपकी फैमिली में किसी ने किया, आपके फादर ने या आपके चाचा ने, किसी ने भी जो आपके साथ रहते हैं, आपके दादा ने, या चलता चला चलता चलता बिजनेस बंद हो गया, या आपने कुछ स्टार्टअप किया वो बंद हो गए, ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं किसी के नेगेटिव स्पेल्स के। तो आप प्रेयर्स करिए, हवन करवा सकते हैं आप अपने घर में, अपने दुकान में, आपकी शॉप में, जिसे नेगेटिव एनर्जीज ट्रांसम्यूट हो। आपकी एनर्जी, मतलब आपका जो मेंटल लेवल है बड़ा स्ट्रॉन्ग, पर अभी पता है एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ नेगेटिव स्पेल्स हुए हो। आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते होगे, कि मतलब चीज़ें पता होते हुए भी आप डिसीजन नहीं ले पाते हो सही टाइम पे। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अरे मुझे तो तब करना चाहिए था, तब ये सोचना चाहिए था, तब क्यों नहीं किया। ये साइन होती है नेगेटिव स्पेल्स की, हम उस टाइम पे जब इम्पोर्टेंट होते हैं ना, चीज़ें डिले कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं मुझे बताओ मैं क्या करूँ कैसे करूँ। पास्ट में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, अभी भी हो सकता है आपके ऊपर ये एनर्जीज हो कुछ नेगेटिव स्पेल्स की। पाइल टू। अब अगर हम आपका प्रेजेंट देखें, एक यहाँ पे कंडीशन ये भी आ सकती है कि आप अगर एज अ हस्बैंड या वाइफ देख रहे हैं, तो दोनों कुछ ऐसा हो सकता है कि आप डिवोर्स्ड हो या आपके हस्बैंड की डेथ हो गई हो। अगर आप मैरिड नहीं हो तो पेरेंट्स में से आप किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपके फादर मदर हो सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे मदर लग रही है, फादर बहुत कम के केसेस में है, या उनके फादर का बहुत ही ज़्यादा बिजनेस में लॉस हुआ है, या आप सिंगल पेरेंट, मतलब आपको एक ही पेरेंट संभाल रहा है, या मदर या फादर जो नेक्स्ट पेरेंट है कोई भी हो सकता है, वो या तो ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो या तो आपके साथ नहीं रह रहे, या वो इस दुनिया में नहीं है, ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो आपके साथ नहीं है, कुछ भी हो सकती है सिचुएशन। अब हम आपका प्रेजेंट देख लेते हैं। आपका प्रेजेंट, आप कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं चल रहा आपको कहाँ जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, पर आप वही बात आ रही है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो एंड मोमेंट पे आते आते, जब डिसीजन लेने की बारी आती है, एक जो बोलते हैं ना ठहराव, एक पेशेंस, जो धैर्य हम बोलते हैं, वो एनर्जी की कमी दिख रही है। अब प्रेजेंट में द वर्ल्ड का कार्ड आया है द मैजिशियन के ऊपर, आपके पास पावर है अपनी लाइफ को, अपनी घर की सिचुएशंस को, अपने आप को चेंज करने की। आप चेंज करिए, प्लीज करिए, एंजल्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आप किन को भी विश्वास करते हो, जिनके ऊपर भी करते हो विश्वास,
उनको सिर्फ प्रार्थना करिए, प्रेयर्स करिए अपनी लैंग्वेज में, जिन भी भगवान में, जिस भी डिवाइन में, जिस भी धर्म के हो, जहाँ पे भी आपको विश्वास है, अगर आपके पूर्वज है, आपके एंसेस्टर्स है, जो अभी आपके साथ इस दुनिया में नहीं है, उन पे भी अगर आपको विश्वास है तो उनसे भी प्रेयर कीजिए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ें चल रही है, मुझे रास्ता दिखाओ। रास्ता दिखाएंगे, आपको मदद भी मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करने से ही आपकी दरवाजे खुल जाएंगे। अगर इसके अलावा अगर आप और कुछ पूजा पाठ रिचुअल्स करना चाहते हो, जो भी आप फॉलो कर आपकी फैमिली में करते हुए आए हैं या जो आपको सही लगता है, तो वो करिए करिए। ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाइल टू, द एम्परर का कार्ड आया है स्टेबिलिटी। अब ये यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स रिवर्स में था, यहाँ पे सीधा फादर फिगर ही है। ये भी 4 नंबर का कार्ड आया है, स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। स्टेबिलिटीज एंड बाउंड्रीज, आपको एक तरीके की बाउंड्री सेट करनी है, कहाँ पे आपको किनके साथ फैमिलियर होना है, कहाँ पे नहीं होना है, कहाँ पे लोगों को अपनी लाइफ में एंटर होने देना है, कहाँ पे नहीं होने देना है। आप अपनी लाइफ में एक तरीके की स्टेबिलिटी ला सकते हैं। पाइल टू, ये आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। उसके लिए आपको स्टेप्स लेने और डिसीजन लेने हैं सही टाइम पर, सही वक्त पर, बिना कंफ्यूज हुए। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन करिए, 5 मिनट से ही आप स्टार्ट करिए, पर अपने आप को शांत रखिए। हम फ्यूचर के आउटकम्स, फैब की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। ये प्रेजेंट की एनर्जीज हैं और ये एनर्जी बहुत लॉन्ग टाइम तक रहने वाली है। फैब मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? वाओ, अपॉर्चुनिटी, एस ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए। हो सकता है आपको बर्ड्स, एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, एनिमल्स, नेचर, इनसे आपको प्यार हो सकता है, आपको वहाँ पे बैठकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल सकता है और रिलीफ भी मिल सकता है। पाइल टू, अब यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे भी वर्ड आया है, यहाँ पे भी वर्ड है, आपने ये जो चूज़ किया, और यहाँ पे कार्ड भी इनोसेंस का आया है। आपकी एनर्जी है ये, यहाँ बर्ड्स, एनिमल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, आपके पास आके बैठ जाते हो, उनको सुकून मिलता हो आपकी एनर्जी से, आपकी एनर्जी से डरते नहीं हो। यहाँ पे द सन का भी कार्ड आया है। फेब मंथ में आपकी न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, आप चाहें तो अपनी लाइफ को एक नए ट्रैक पर लेके जा सकते हैं। ये सबसे अच्छा कार्ड आया है, 2 यहाँ पे बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, द वर्ल्ड एंड द सन का कार्ड है। आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो चेंज करना, वो आप बेशक बिल्कुल कर सकते हो। और यहाँ पे द सन का भी कार्ड आया है, मतलब स्टार्टिंग से शायद आपको लगता है शुरू करना है तो करिए, ऐसा मत सोचिए कि मुझे करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, और अपने पास्ट पे पछतावा मत कीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए कि वो गलतियाँ दोबारा नहीं हों। अगर वो गलतियाँ वापस दोबारा होंगी तो फिर आपको पछतावा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो पहली बार आपने लेसन सीखा है, अब आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हेल्प मिल रही है, आपको प्रेयर्स करनी है, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, आपके लिए दरवाजे खुले हुए ही हैं, सिर्फ आपको आगे कदम बढ़ाने हैं सही दरवाज़ा चूज करके। ये है मेन मैसेज पाइल टू आप लोगों के लिए। ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी रीडिंग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल थ्री, हम लोग देखेंगे आप लोगों के लिए फैब में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपका पास्ट क्या रहा है, अब प्रेजेंट की एनर्जीज क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पाइल थ्री, आपने नंबर 6 बर्डन का कार्ड चूज़ किया है। पहले हम देख लेते हैं, हार्ट ब्रेक का कार्ड, फर्स्ट कार्ड ही हमारे ऊपर हार्ट ब्रेक का आया है। लीजिए, एंजल भी गिर गए।
बर्ड है। पाइल थ्री, हर्ट हुए हो, चीट हुए हो रिलेशनशिप में, अपने पास्ट का बर्डन कैरी करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, क्या बात है जी। पाइल थ्री, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप की बात है जहाँ पे आप हर्ट हुए हो, उस चीज़ का आपको गम नहीं है कि आप चीट हुए हो, आपको इस चीज़ का गम है कि आपने किसी अपने से झूठ बोलकर उस रिलेशनशिप को रखा था, निभाया था, तो जिनसे आपने झूठ बोला है ना, उस चीज़ का आपको बर्डन है। यहाँ पे मुझे मदर फिगर लग रही है। अगर आपने शादी कर ली है अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, यहाँ पे फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, कोई भी, अब आप पछता रहे हो कि आपने उनकी बात नहीं मानी, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा समझाया, सराहा, संभाला हर वक्त, उन्हें आपने चीट कर लिया है, तो आपको गिल्ट तो है इस चीज़ का कि आपने सही इंसान के साथ झूठ बोला या गलत किया। प्लस आपको इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि सामने वाले इंसान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैंने उसके लिए क्या नहीं छोड़ा था, क्या कुछ नहीं बलिदान दिए थे, उसने फिर भी मेरे साथ ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा क्यों किया। बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है मुझे थ्रॉट चक्रा पे, आपका गला भर गया है रोने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। पाइल थ्री, आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज देख लेते हैं क्या है। पाइल थ्री, बहुत ज्यादा उदास है पाइल थ्री आप लोग, बहुत पछतावा हो रहा है आपको, अनस्टेबिलिटी आ गई है आपके इमोशंस में, आप स्टेबल ही नहीं रह पाते हो। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है। अब यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपको जानना है, एक्नॉलेज करना है चीज़ों को, थोड़ा खुश रहना सीखिए, आपके पास खुश रहने के मौके आ रहे हैं, ठीक है, सीखिए थोड़ा, मीन्स प्रेजेंट में रुकना सीखिए। आप पास्ट में ही भाग रहे हैं, अभी तक प्रेजेंट में आए ही नहीं, कितना भी वक्त हो गया उस चीज़ को, एक साल, दो साल, छः महीने, दो महीने, तीन महीने, एक हफ्ता, दो हफ्ता, कुछ भी, आप वहीं पे ही घूमे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे पाइल थ्री आपको ऐसा बोलूँ कि आपने एक महीना पहले अपना कुछ फेवरेट फूड खाया, जो भी हो सकता है, पाव भाजी हो गई, डोसा हो गया, जो भी, फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, वॉट एवर, तो आप एक महीना पहले कुछ चीज़ खाई, तो आज अभी तक आप खुश हैं? वो आपने पिज़्ज़ा खाया कि हाँ मैंने एक महीने पहले पिज़्ज़ा खाया था, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, आज मैं खाना नहीं खाऊँगा, आप ऐसा करते हो? उस चीज़ को याद करके आज खाना नहीं खाते हो? नहीं करते हो ना, तो वो पेन को याद करके आप अभी तक क्यों दुखी हो, क्यों आप उसी चीज़ को सोच रहे हो? ठीक है, आपकी भी गलती थी, सामने वाले की भी गलती थी, अब इस चीज़ को हील करना है। अगर हील नहीं करोगे आपके दिमाग में स्टक रहेंगे, निकालें इन इमोशंस को, बाहर निकालें, फिर आपको रो के निकालना है, पेपर पे लिख के निकालना है, दो चार पेपर भर देने, भर दो अपने इमोशन से, उनको फाड़ के आप जला दो, कुछ भी, इस इमोशन को आपको बाहर निकालना है। बस ये आपके लिए प्रेजेंट की सिचुएशन है। जब भी आ रहा है माइंड में आपके थॉट, 10 बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है, कितनी बार आएगा कंटिन्यूसली, कितने टाइम तक वो चीज़ बार बार आपके माइंड में आएगी? लिखिए पेपर पे, एक बार ही में ही चीज़ें सॉल्व हो जाती है, पर आपको 2 या 3 बार लग रहा है कि बार बार वही चीज़ें याद आ रही है, लिखिए लिखिए,
अपनी गलतियां भी लिखिए, सामने वाले की मत लिखना सिर्फ। अपनी गलतियां भी लिखोगे तो बर्डन हल्का हो जाएगा, इस बर्डन में आप जियोगे नहीं फिर। अपनी गलतियां, सामने वाले की गलतियां, जो भी मन में आ रहा है, अपने लिए गुस्सा, सामने वाले के लिए, पेपर में लिख लो, इन इमोशंस को रिलीज करो। बैलेंस लेके आओ अपनी लाइफ में, समझो कि आपको कहाँ पे कितना टाइम देना है। किसी की अगर आप हेल्प कर सकते हो, जाके जिनका दिल दुखा है उनसे माफी मांग सकते हो तो मांग लो, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। यहाँ पे आपकी हेल्प भी करी जा रही है, आपको उस दौर में से बाहर निकालने की काफी ट्राई भी की जा रही है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं कुछ करीबी, या कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं आपको वो उस प्लेस से दूर जाने का, पर आप खुद ही नहीं जा रहे हो। अगर कुछ ऐसा कर रहे हो तो ऐसा मत करिए। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं अभी प्रेजेंट में, अपने पास से बाहर निकलने का, अपने ध्यान को कहीं और शिफ्ट करने का, कहीं और अपनी चीज़ों को लेके जाने का। फ्यूचर और फैब की ब्लेसिंग्स हमारे पास है, कंप्लीशन का कार्ड। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, तो कुछ सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। बोलते हैं कोई थर्ड पर्सन आके आपका सॉल्यूशन करवा सकता है, ऐसी कुछ हो सकती हैं चीज़ें। अगर मैरिड नहीं हो तो सामने वाले को रियलाइज हो सकती है अपनी गलती की, यह बहुत कम परसेंट चांसेस है, 5% ओनली चांसेस है जो मैरिड नहीं है उन लोगों के लिए, कि वो आके आपसे सामने से ही बोलेंगे कि ठीक है हम, उन्हें रियलाइज हो सकता है, पर ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत कम टाइम तक ही रियलाइज होगा। शायद वापस वो गलती रिपीट कर सकते हैं। मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही, पर यहाँ पे जो सॉरी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, झूठा दिलासा नहीं दे रही मैं आपको। अगर मैरिड हो तो बात बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंगेजमेंट भी हो गई है तो भी बहुत ज़्यादा बात बनने की चांसेस हैं। फैमिली को पता भी है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग टाइम से हो, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो भी रिश्ता संभलने की बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फैब में। ओके यस, आपके पास मौके आ रहे हैं अपनी लाइफ को ठीक करने के। वापस थोड़े टाइम के लिए आप, हो सकता है कि अकेले में रहें, अपने ऊपर काम करें और फिर वापस एक नई एनर्जी के साथ बाहर आए, ऐसा भी आप रास्ता चूज कर सकते हैं। देखिए वाओ, सेलिब्रेशन का भी कार्ड आ गया है। चीज़ें बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। निराश ना होइए अगर आप हर्ट हुए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी, जो भी हुआ है तो वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगी, उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए द लवर्स का कार्ड भी आया है हमारे पास, और क्या चाहिए, ट्रू एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, बट बीच में ईगो आ जा रहा है जो रिश्ते को ख़राब कर रहा है। आपका हो या थर्ड पर्सन को या आके करवा रहा हो प्रॉब्लम्स, जो भी हैं सॉल्व हो जाएंगी, फेब में हो जाएंगी सॉल्व। यहाँ पे आपको हीलिंग्स मिली जा रही है, आर्कएंजल रफाइल की आपके पास ब्लेसिंग्स हैं उनकी, आप आर्कएंजल रफाइल की आप प्रेयर कर सकते हैं और हाई वाइब्रेशन में रहें, अपनी लाइफ को खुशी से जिए हर एक पल को। ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें, और किस वीडियो और कौन सी वीडियो आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पे मैं बनाऊं वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।